हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट इनसाइट। इंडिया T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड 2021 ऑफिशियली अनाउंस्ड। दोस्तों, जो सबसे बड़ी खबर है अभी यहां पर वो है इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड के बारे में, जहां पर दोस्तों कुछ बहुत बड़े प्लेयर्स की वापसी हुई है और साथ ही साथ कुछ बहुत बड़े प्लेयर्स इस स्क्वाड में इंक्लूडेड नहीं है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको डिटेल में हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर से, और वो है MS धोनी के रिगार्डिंग। MS धोनी को दोस्तों यहां पर टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए एज अ मेंटोर अनाउंस करा है। अब दोस्तों देखना क्रूशल होगा कि MS धोनी का रोल क्या होता है, लेकिन दोस्तों जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि MS धोनी का रोल यहां पर मैन मैनेजमेंट के लिए रहने वाला है। अब बात करते हैं उन प्लेयर्स के बारे में जिनका वर्ल्ड कप 2021 में सिलेक्शन नहीं हुआ। इस लिस्ट में नाम है शिखर धवन, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज का। ये तीन प्लेयर जो माने जा रहे थे कि वो यहाँ पर वर्ल्ड कप स्क्वाड में हो सकते हैं, वो यहाँ पर इस स्क्वाड में नहीं है। युजवेंद्र चहल का दोस्तों एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि टीम इंडिया यहाँ पर युजवेंद्र चहल के साथ नहीं गई है और राहुल चहर के साथ गई है। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जहाँ पर टीम इंडिया युजवेंद्र चहल को T20 वर्ल्ड कप 2021 में मिस कर सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया के पूरे स्क्वाड के बारे में। शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले बैट्समैन से। यहाँ पर हैं विराट कोहली कैप्टन, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन, KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन। ऋषभ पंत और ईशान किशन यहाँ पर एज अ विकेट कीपर इलेक्ट हुए हैं। बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, सो यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल का। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बॉलर्स की, सो यहाँ पर हैं राहुल चहर, रविचंद्रन अश्विन, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी। रविचंद्रन अश्विन की दोस्तों इस स्क्वाड में वापसी हुई है और साथ ही साथ वरुण चक्रवर्ती एक डार्क हॉर्स बने हैं इस स्क्वाड में जिनका सिलेक्शन हुआ है। बात करते हैं दोस्तों स्टैंड बाई प्लेयर्स की जो कि रिजर्व में हैं। उनका नाम है श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर। श्रेयस अय्यर को बैट्समैन के रिप्लेसमेंट में रखा है, वहीं पर शार्दुल ठाकुर को ऑलराउंडर की और दीपक चहर को फास्ट बॉलर्स की। यह दोस्तों टीम इंडिया का फाइनल स्क्वाड ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए, जहां पर MS धोनी को एज अ मेंटोर सेलेक्ट किया गया है, और ये यहां पर टाउन की सबसे बड़ी खबर है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।